आज हम परसेंटेज के ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं कि आप भी उसको देखकर और इतने ऐसे ऐसे तरीके से उसको करोगे कि फिर सारा का सारा परसेंटेज ऐसा का तैसा हो जाएगा। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रेस विथ राजीव पर। मैंने इससे पहले आपको परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया था और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको लगवाया था। आशा करता हूँ कि आपको वो चीज़ें अच्छी लगी होंगी। प्लीज़ आप अपना प्यार चैनल पर बनाए रखिएगा। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। शुरुआत करेंगे आज हम कुछ नए नए क्वेश्चंस को और उनको लगाने के तरीके भी हम नए नए तरीके से यूज़ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और मेरा आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन है, एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो तो इस संख्या का 24% कितना होगा। क्वेश्चन है कि एक संख्या के 45% का 15% अगर 105.3 हो तो उस संख्या का 24% कितना होगा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि इसको करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको कुछ परसेंटेज के फ्रैक्शनल फॉर्म को दिखाया था। जैसे मैं बोला था कि 5% का मतलब होता है 1/20, 10% का मतलब होता है 1/10, 15% का मतलब होता है 3/20। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में बात कर लिया था और इसी का यूज़ करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी संख्या के 45% का 15%। हम यहाँ पर कोई एक्स वाई नहीं लेंगे। मैंने बताया था एक्स और वाई की भूतनी को हटाइए, हम यहाँ पर एक्स और वाई को लेना ही नहीं है, हम सीधे बिना एक्स और वाई से करेंगे। 45% का मतलब क्या होता है, 45% का मतलब होता है 45 और बटा में 100, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 9/20। ठीक है, ये बात। 15% का मतलब क्या होता है, तो 15% का मतलब होता है 15/100 और इसका मतलब होता है 3/20। ये चीज़ हम जानते हैं, हमको एक्स और वाई से क्या लेना देना है, कुछ नहीं। अब कह क्या रहा है कि किसी संख्या के 45% का 15% अगर 105.3 है, यानी कि 9/20 और गुणा में कितना, 3/20, ये किसके बराबर है, 105.3। क्या 105.3 को हम 1053/10 लिख दें तो कोई दिक्कत है, हटा दिया और यहाँ पर लिख दिया बटा में 10। दशमलव हटा देते हैं, दशमलव नामक बीमारी बहुत खतरनाक होती है, उसको रहने दीजिए, दशमलव हटा दीजिए। तो ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब क्या क्या रहा है, इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 27/400 और ये किसके बराबर है, 105/10। थोड़ा सा सॉल्व कर लें, छोटा हो जाएगा, अगर नहीं चाहते तो छोड़ दीजिए। अब पूछा गया 24% किसके बराबर होगा, 24% का क्या मतलब होता है। अगर मैं 24% की बात करूं तो 24% का मतलब होता है क्या, 6/25। 24% का मतलब क्या होता है, 6/25 होता है। तो अगर मैं कहूं कि 27/400 कलम की कीमत अगर 1053.10 है तो 6/25 कलम का कीमत कितना, तो क्या करेंगे, 1053 और बटा में कितना 10, गुणा करेंगे 6/25 से, और इसका पूछा है तो इसको आप उल्टा कर दीजिए, डिवाइड करते हैं ना, तो डिवाइड करेंगे तो उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 400 और बटा में कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। सॉल्व कर लें, 25 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 16/400, और क्या करें, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इससे इसको डिवाइड करिए तो 3×9=27 और 3×2=6, 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 9×9=9, 9×9=9 और 9×7=63। अब जो बचा उसका गुणा कर लेंगे। थोड़ा सा और देखिए, इसको इससे हम डिवाइड कर दें, ये कट गया, यहाँ पर बच गया क्या, 5। अब जो बचा है उसी को गुणा करना है हमको, तो 16×7=112 हासिल बच गया 11, 16×16 16×11=27 हासिल बच गया 2, 16×16 16×2 कितना होता है, 18, ये हो गया, और नीचे क्या है, 5 है। देखिए, जब आपको इस तरीके का डिवीज़न दिखाई दे तो डिवीज़न करने की ज़रूरत थोड़ी ना होती है, बिना डिवाइड किए हम इसका आंसर ला देंगे। आपको करना क्या, आप ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया है इसको हम कैसे करेंगे, लिखा कितना है, यहाँ मैं लिखता हूँ, ये दिया है 1872 और बटा में कितना है, 5 है। हमको क्या करना है कि नीचे वाले को 10 बनाना है। कैसे बनेगा, जब ऊपर नीचे हम 10 से गुणा कर, 2 से गुणा कर दें तो 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2×2 हो गया 4, 2×7=14, यहाँ लिखता हूँ 2×2=4, 2×7=14 हासिल बच गया 1, 2×8=16, 16×1=17, 2×1=2 और 1=3,
बस एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर, 374.4। 374.4 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 374.4 इज द राइट आंसर। तो देखा कितना आसानी से क्वेश्चन लग गया, कहीं ना एक्स को ले आया ना कहीं वाई को ले आया। अगर इसको सॉल्व करते तो पहले तो हम यही मानते हैं कि लेट अस कंसीडर द नंबर बी एक्स, एक्स के 45% यानी कि एक्स मल्टीप्लाइड बाई 45/100, फिर उसका 15% मतलब कि एक्स मल्टीप्लाइड बाई 45/100 मल्टीप्लाइड बाई 15/100 इज इक्वल टू 105.3 लिखते। उसको सॉल्व करते तो एक्स की वैल्यू आती, जो एक्स की वैल्यू निकल के आती फिर उसका 24% निकालता, तो मामला क्या होता, पेचीदा हो जाता, ये जो मुकदमा था सिविल कोर्ट से उठ के सुप्रीम कोर्ट चल जाता, तब भी आंसर नहीं आता। चलिए तो ये चीज़ें क्लियर हुई, आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो देखा जाए कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, बात अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें और हर को दुगुना करने पर जो परिणामी भिन्न है, जो परिणामी भिन्न है वो 5/9 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, एक क्वेश्चन में ये बोला है कि एक भिन्न है, एक फ्रैक्शन है, अगर उस फ्रैक्शन के अंश में 25% की वृद्धि कर दें और उसके हर में हर को दुगना कर दें तो जो परिणामी भिन्न होता है, जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन होता है, वो कितना बन जा रहा है, वो हो जा रहा है 5/9। तो पूछा है कि बताइए मूल भिन्न क्या होगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा। यहाँ भी हम x और y को नहीं मानेंगे, बिना और x y मान के करेंगे, हमारा रिजल्ट आएगा। कहता है कि किसी भी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि कर दें, तो भाई 25% का मतलब क्या, 1/4 ना, 25% का मतलब क्या होता है 1/4, यानी कि पहले फ्रैक्शन का हर कितना था 4, वृद्धि करने पर कितना हो गया 5 हो गया। किसी फ्रैक्शन का अंश कितना था पहले, ओरिजिनल 4 था, कितने की वृद्धि हुई 5 की, तो 25% तो कितना 4 था, कितना हो गया 5 हो गया। और बोला है कि जो इसका हर है उसको दुगुना कर दें, अगर मैं कहूं कि इसका ओरिजिनल हर 1 था तो दुगुना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही ना होगा। अगर इसका ओरिजिनल डिनोमिनेटर 1 है और उसको दुगुना कर दिया तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब भिन्न क्या बनेगा, एक तो बनेगा 5/2, दूसरा क्या बनेगा 4/1, ये जो है आपका ओरिजिनल भिन्न है और ये क्या है परिणामी है। तो क्वेश्चन में दिया कि जो परिणामी भिन्न है यानी कि 5/2 किसके बराबर है, 5/9 के बराबर है, यही क्वेश्चन में बोला है। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर ले तो कट गया, क्या बचा 1/2 बराबर है 1/9 के, हमसे पूछा है कि 4/1 किसके बराबर होगा, तो 4/1 बराबर होगा 1/9 गुणा में 4/1 और इससे भाग दे देंगे यानी कि कितना हो जाएगा 2/1। बस सॉल्व कर ले हमारा रिजल्ट आ जाएगा 8/9 इज द राइट आंसर। 8/9 हमारा क्या होगा आंसर होगा। देखा इतनी आसानी से हमने इसका सलूशन निकाल लिया, क्वेश्चन बहुत इजी था, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है, क्वेश्चन में बस बोला है कि कोई एक भिन्न है उस भिन्न का अंश 25% बढ़ाया जाता है और उसके हर को दुगना कर दिया जा रहा है, यानी कि हर को 100% बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि जो नया भिन्न बन रहा है वो 5/9 बन रहा है। तो बताइए कि ओरिजिनल भिन्न क्या था। अब देखिए इसी को अगर हम अपने ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं तो क्या होता है, आम जिंदगी देखते हैं, अभी तक हमने मिंटास जिंदगी देखा। तो देखिए इसको अगर हम पहले तो कंसीडर करेंगे कि वो क्या है, एक्स अपॉन वाई है, फिर एक्स का 25% बढ़ाया गया तो एक्स का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, एक्स प्लस 25/100, यही तो होगा एक्स प्लस 25x/100, एक तो ये बनेगा। और y को कितना बढ़ा रहा है 100 बढ़ा रहा है, यानी कि y प्लस 100x/100, ये y हो जाएगा। अब ये दोनों नए बनेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 125x और नीचे कितना हो जाएगा इसको करेंगे तो 110, सीधे हो जाएगा 2y, ये किसके बराबर है 5/9 के बराबर है। इसको फिर सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू आएगी, सब्स्टिट्यूट करेंगे तब जाके रिजल्ट निकल के आएगा। तो हमें इतना गाना नहीं गाना है, बिना x और y से हम सारे सॉल्यूशन को करेंगे। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि परसेंटेज के हर एक क्वेश्चन आप बिना x और y से करना सीख जाएंगे। बस छोटा सा एक काम है, वीडियो को शेयर करो, अभी वीडियो को आप शेयर करिए फिर आगे देखिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यार आप चैनल पर नए आते हो फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत अजीब लगता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।
और वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको मैं इसका मास्टर बना दूंगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि कर दें और उसके हर में 150% की वृद्धि कर देने से जो रिजल्टेंट नया भिन्न बनता है वो 4/5 है, तो ओरिजिनल भिन्न बताइए कितना है। 220% की वृद्धि कर रहा है, क्वेश्चन में यही बोला है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि कर दे और उसके हर में 150% की वृद्धि कर दे तो जो नया भिन्न बन रहा है वो 4/5 बन रहा है, तो बताइए वो भिन्न है क्या। क्वेश्चन ये बहुत आसान है, 220% की वृद्धि करने पर, यानी कि 220% का मतलब क्या होता है, 220/100 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 11/5 यही तो आएगा भाई। 220% का क्या मतलब होता है, 220% का मतलब कितना, 11/5। 150% का मतलब क्या, 150% का क्या मतलब होता है, तो 150/100 करेंगे, 0 0 कट गया, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 3 15 और 5 2 10, गड़बड़ हो गया, सही है ठीक है। यानी कि पहले अंश कितना था 5, 11 उसमें बढ़ गया तो 5 से कितना हो गया, 16 हो गया, 5 से कितना हो गया, 16 हो गया। ये पहले 2 था, 3 बढ़ गया तो कितना हो गया, 5 हो गया, यही तो हुआ। ये है हमारा ओरिजिनल भिन्न, यह है हमारा रिजल्टेंट भिन्न, यानी कि 16/5 बराबर है 4/5 के, 16/5 बराबर है किसके, 4/5 के। थोड़ा सा सॉल्व कर ले, 4 × 4 = 16, भाई 5 से 5 कट गया, यानी कि 4 कलम की कीमत है 1 रुपया, तो 5/2 कलम की कीमत कै रुपया, तो 1 × 5/2 और भाग देंगे किससे, ये कट गया तो किससे भाग देंगे, 1/4। सॉल्व कर ले तो कितना आएगा, 5/8, तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 5/8। तो देखा सॉल्यूशन कितना आसान था, आपको कुछ नहीं करना, कहीं एक्स वाई लेने की जरूरत नहीं है, बस जो कह रहा हूं उसको समझिए। 220% को फ्रैक्शन में चेंज किया, 11/15 आ गया, 150% को फ्रैक्शन में चेंज किया, 3/2 आ गया, यही तो है। आप क्या बोलते हो, आउट ऑफ 100 तो 100 को हमेशा नीचे रखते हैं, यानी कि टोटल वाला कहाँ होता है, नीचे होता है, और नीचे वाले में ही कुछ बढ़ाते हैं या कुछ घटाते हैं, तो ये नीचे वाला टोटल है, 5 था, 11 बढ़ गया तो 5 से बढ़ के कितना हो गया, 16 हो गया। ये ओरिजिनली कितना था, 2 था, 3 बढ़ गया, यानी कि 2 से बढ़ के 5 हो गया। अब ये 5/2 ये अंश है और ये हर है, ये न्यूमिरेटर है डिनोमिनेटर है, तो 5/2 ओरिजिनल भिन्न है आपका, 16/5 ये आपका रिजल्टेंट भिन्न है, क्लियर है बात। अब क्या बोलता है कि 16/5 बराबर है किसके, 4/5 के, तो 16/5 हमने 4/5 के बराबर कर दिया, थोड़ा सा सॉल्व कर लिया तो ये 4 × 4 = 16, इधर बच गया 4 और इधर बच गया 1, 5 से 5 तो कट ही गया, 5 की कहानी खत्म। 4 कलम की कीमत 1 रुपया, तो भैया 5/2 कलम की कीमत क्या रुपया, तो 1 में आप 5/2 से गुणा करोगे और 4 से भाग दे दोगे, 5/8 आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपको क्लियर हो गया होगा बात, बिना एक्स बिना वाई, एक्स और वाई की भूतनी आपको जल्दी ही मैं छोड़ा दूंगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं, उस क्वेश्चन को करने के लिए एक कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है, आप उसको समझिएगा। जैसे मैं ये बात कहूं कि अगर कोई वस्तु है और उस वस्तु की कीमत में क्रमवार, मतलब कि क्या हो रहा है कि सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव डिक्रीज होता है, तो उसका रिजल्टेंट कितना परसेंट वो बढ़ा या घटा, इस चीज़ की बात करें। जैसे मैं बात करूं कि ये पेन है, अगर इस पेन की कीमत में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो जा रही है, तो मैं पूछूं कि रिजल्टेंट कितना परसेंट इसकी वृद्धि हुई। जैसे अगर इस कलम की कीमत एक साल 10% बढ़ा, दूसरे साल फिर से ये 10% बढ़ गया, तो ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ा, 20%। ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ रहा है, 20%, कतई गलत है, 20% कभी नहीं बढ़ेगा, 20% कभी नहीं बढ़ेगा। एक साल 10% बढ़ा, दूसरे साल 10% बढ़ा, तो रिजल्टेंट 20% बढ़ा, ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। आप इस चीज़ को समझिए कैसे होता है, देखिए ध्यान से। अगर मैं कहूँ कि मान लिया कि आज इस कलम की कीमत है 100 रुपया, ये जो मेरे हाथ में मार्कर है 25 रुपया का है, थोड़ा सा हाँका हूँ, थोड़ी सी बात बढ़ा के बोला, भाई 100 रुपया का है, 25 रुपया का है, तो अगर मैं कहूँ कि इस पेन की कीमत कितना है, 100 रुपया है, हर साल 10% बढ़ रहा है, यानी कि पहले साल अगर इसमें 10% बढ़ेगा तो कीमत कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ेगा तो कीमत बढ़ के कितना होगी, 110 रुपया हो जाएगा। अगर पहले साल 10% बढ़ा तो कीमत बढ़ के कितना हो गया, 110 रुपया। अब अगेन 110 रुपया पे 10% बढ़ेगा ना,
कि 100 पे ही 10% बढ़ेगा, 110 पे 10% बढ़ रहा है, तो 110 का 10% निकाल लेते हैं, तो 110 धन 110 गुणे 10/100, यही तो करेंगे। ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये कट गया, तो कितना हो गया 121, कितना रुपया बढ़ के हो गया 121 रुपया बढ़ा। तो बताइए भाई कहाँ ये 120 रुपया हो रहा है, यानी कि क्या परसेंट की वृद्धि हुई, 21% की वृद्धि हुई। तो हम ऐसे निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमको दिखेगा तो हम कहीं भी इतना कोशिश नहीं करेंगे। सिंपल सा फंडा है कि एक साल मानते हैं x परसेंट बढ़ा, दूसरे साल y परसेंट बढ़ रहा है, तो जो इसका रिजल्टेंट परसेंटेज होगा वो किसके बराबर होगा, x परसेंट प्लस y परसेंट और प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। ये हम यूज़ करेंगे। क्या है, तगड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला है। इसको देखकर आप नहीं सोचेंगे कि अफसर ने x और y घुसा दिया है, कहीं x y हम नहीं घुसा रहे भाई साहब। ये रिजल्टेंट परसेंट आप निकाल रहे हो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये फार्मूला है, छोटा सा नन्हा सा, आपको सिर्फ इसको याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस पर देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी वस्तु की मूल्य में पहले 10% की वृद्धि होती है तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि होती है, तो यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना होगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर किसी वस्तु के प्रारंभिक मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, उसके बाद फिर उसमें 20% की वृद्धि होती है, तो जो बढ़ा हुआ कीमत है वो 33 रुपया है, तो बताइए इसका ओरिजिनल प्राइस कितना था। पहले साल 10% बढ़ रहा है, दूसरे साल 20% बढ़ रहा है, बढ़ने के कारण इसकी जो फाइनल कीमत हो रही है वो कितना रुपया हो जा रहा है, 33 रुपया हो जा रहा है, हमसे ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है। तो देखिए पहले तो हम क्या निकाले, इक्विवेलेंट परसेंटेज निकालते हैं, यानी कि हम क्या फार्मूला लगाएंगे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, यही होता है, यानी कि 10 + 20 + 10 × 20/100। और इसी को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गया, यहाँ पर बच गया 10 + 20 मिलकर हो गया 30 और प्लस 2 × 2 कितना आया 32, यानी कि रिजल्टेंट परसेंट कितना है 32%, रिजल्टेंट परसेंट कितना है 32%, पहले कितना था 100%, टोट ओरिजिनल कितना होता है 100%, यानी कि पहले था 100%, अब बढ़ के कितना हो गया 132%, 132 बढ़ा हुआ कीमत दिया, 132% बराबर है 33 रुपया का, तो 100% किसके बराबर होगा, सिंपल सा फंडा लगाएंगे, 132 कलम की कीमत है 33 रुपया, तो 100 कलम की कीमत क्या रुपया, तो 33 × 100/132। सॉल्व कर लेंगे रिजल्ट आ जाएगा, इसका गुणा कर ले तो ये हो जाएगा 3300/132, इतना रुपया होगा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे रिजल्ट आपका छोटा सा निकल के आ जाएगा, तो 3300/132 हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन को बस समझने की बात थी कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। क्वेश्चन को अगर एक बार आप समझ डालेगा तो फुल लाइफ आपका झिंगा लाला हो जाएगा। तो परसेंटेज के इस टाइप के क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, आपके हर एक एग्जाम की बात करूं, आप चाहे एक चपरासी की भर्ती से उठा लीजिए और आप यूपीएससी के सी सेट की बात कर लीजिए, परसेंटेज कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और अगर आप इसको सीख डाला तो हर एग्जाम झिंगा लाला, इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ। इसके अलावा कहीं पर आपको कोई इससे, अगर आपको इजी वे में अगर कोई सिखाता हो तो फिर अलग बात है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि परसेंटेज सीखना और परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चन अगर हम इस प्रोसेस से लगाएंगे तो दो चीज़ का फायदा होगा, पहला चीज़ तो गलत होने के चांस कम है, और दूसरा चीज़ कि टाइम टेकन नहीं होगा, मतलब कि जिस क्वेश्चन को करने में 5 मिनट लगता है उस क्वेश्चन को हम 5 सेकंड में कर लेंगे। बस उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक बेहतरीन प्रैक्टिस होना चाहिए, एक बेहतरीन स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो आपको जब मैं इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सीआईएसआई के क्वेश्चन, सॉरी सीपीएसपी के क्वेश्चन,
क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको यही कॉन्सेप्ट में दिखाऊंगा कितना यूजफुल साबित होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसको पसंद किए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। सबसे ज़रूरी बात भैया ये है कि आप आते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हमसे कोई दुश्मनी हो तो बता दीजिए, हैं? कोई दुश्मनी नहीं है ना, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये एक स्टार्टिंग पीरियड है, आपका थोड़ा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़े एनफोर्समेंट का काम करता है। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी का निशान बना होता है उसको दबा दीजिएगा। आप जैसे ही नए वीडियो मिले अपलोड होगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएगा। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक बने रहिए रेस विद राजीव के साथ।